अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाकया करबला की कहानियों में कुछ मुबालगा भी आमेजी भी की जाती है और कुछ झूठे वाकयात भी बताए जाते हैं। उन झूठे वाकयात में से कुछ वाकयात हम पहले बता चुके हैं, कुछ कन्फ्लिक्टिंग वाकयात हैं उस पर भी हम बात कर चुके हैं और कुछ मुबालगा आमेज कहानियाँ भी बयान की जाती हैं। मिसाल के तौर पर इमाम हुसैन ने दुश्मनी जो फ़ौज थी ना दुश्मन की, उसके हज़ारों बल्कि लाखों अफराद को अपने हाथ से कत्ल कर दिया। और यही दावा बाज लोग यूं भी करते हैं कि जैसे सैकड़ों दुश्मन कत्ल किए और कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। इमाम हुसैन के मुतालिक तो बाज रिवायतों में ये तादाद जो है ये 2000 और बाज शेई रिवायात में 3 लाख तक भी बताई जाती है। इन रिवायात के मुबालगे का अंदाज़ा इसे लगाया जा सकता है कि अगर हर आदमी के साथ मुकाबला करने और इसे पिछाड़ कर कत्ल करने के लिए अगर 1 मिनट भी दरकार हो तो 2000 लोगों को कत्ल करने के लिए 2000 मिनट तो चाहिए होंगे। ये तकरीबन 33 घंटे बनते हैं, जबकि अबू मखनफ की रिवायतों से मालूम होता है कि सानेहा करबला महज एक आध पहर में होकर ख़त्म हो गया था। और ख़ुद शिया मुहक्किकीन में से शहर बिन आशोब ने यजीदी मकतूलीन की तादाद 436 बताई है। अल मनाकिब इब्ने शहर अशोब, इसकी जिल्द नंबर 4 पेज नंबर 99। तो इस तरह जो है बहुत सारे ऐसे वाकयात मुबालगा आमेजी में दाखिल कर दिए गए हैं जिनका ताल्लुक हकीकत से नहीं है। अल्लाह सुबहाना व ताला बेहतरी करे। देखें, इमाम हुसैन का अपना मर्तबा, इमाम हुसैन की शुजात से किसको इनकार है, इमाम हुसैन के फन तलवार चलाने से किसको इनकार है, इमाम हुसैन की दिलेरी से किसको इनकार है। लेकिन मुबालगा आमेजी से किसी की मनकबत बयान करना, ये सरासर उनके साथ ज्यादती है जिनकी मनकबत बयान की जा रही है, क्योंकि किसी को बड़ा करने के लिए उसके ऊपर झूठ नहीं माना जाता। अल्लाह हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सैयद साद कादरी।